युवा कांग्रेस बिलासपुर की बैठक सर्किट हाउस बिलासपुर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने की। बैठक में संगठन से संबंधित गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के उपरांत युवाओं ने सर्किट हाउस से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक गाड़ी को रस्सी से बांधकर खींचा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशीष ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में जब केंद्र सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए, पर सरकार इसके विपरीत काम कर रही है और आम जनमानस के साथ लूट घसूट की जा रही है। आशीष ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत आज के समय में लगभग 20 रुपये प्रति लीटर है। कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में 1986 के बाद आज के समय में सबसे ज़्यादा कम दाम कच्चे तेल के हैं, पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि 20 रुपये प्रति लीटर कच्चा तेल होने के बावजूद भारत में 80 रुपये प्रति लीटर तेल बिक रहा है, जिससे आम जनमानस की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो जा रही है। आशीष ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टैक्स लोगों से वसूल रही है। आज हालत ऐसी है कि भारत के साथ लगते छोटे देशों में भी तेल की कीमतें भारत की अपेक्षा कम है। धरना प्रदर्शन के बाद आशीष ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त राजेश्वर गोयल से मिला और उनके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और मांग की कि वे खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार को आदेश जारी करें कि तेल के ऊपर से टैक्स कम किया जाए और कीमतों को कम किया जाए, ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। आशीष ठाकुर, मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस में बतौर प्रदेश महासचिव कार्यरत हूँ। जैसे कि सर्वविदित है, जो आज के समय में भारतवर्ष के अंदर जो पेट्रोल के और डीजल के दाम हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि जो कच्चे तेल की जो कीमत है वो बहुत ही कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के समय में भारत 19 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कच्चा तेल आयात कर रहा है, पर 80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लोगों को तेल मुहैया हो रहा है। हमें समझ से परे है कि जो भारत के साथ लगते छोटे छोटे देश हैं, चाहे श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, वहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं वो भारत की अपेक्षा बहुत कम है। भारतवर्ष की जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स, जो कि 69% है, वो तेल के ऊपर लगा रखा है। आज वैश्विक महामारी कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे समय में सरकार को चाहिए था कि लोगों को आर्थिक मदद मिले, ताकि लोग अपने खुद को सजग समझ सकें, पर इन्होंने उसके विपरीत किया। जब लोगों को केंद्र सरकार की जरूरत थी, वो आज के समय में राहत की जगह लोगों को लूट घसूट पे उतारू हो चुके हैं। तो आज हम माननीय जिलाधीश श्री राजेश्वर गोयल जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं, और ज्ञापन के माध्यम से हमारी राष्ट्रपति महोदय जी से मांग रहेगी कि वे खुद हस्तक्षेप करें और केंद्र में बैठी हुई सरकार को आदेश जारी करें और पूरे देश के अंदर तेल की कीमतों को कम किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।